देखिए कैसी फुली फुली पूड़िया बनकर तैयार हुई है। चुकंदर की पूड़ी, चुकंदर के फायदों के बारे में तो आप जानते ही हैं, कितना फायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए। आप इसे किसी भी तरह से खाइए, बहुत फायदा पहुंचाता है हमारे शरीर को। हेलो दोस्तों, मैं लता पटेल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल को फिर लता पटेल में। आज हम बनाएंगे चुकंदर की पूड़ी, एकदम फुली फुली पूड़िया बनकर तैयार होगी, हेल्दी भी और टेस्टी भी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक से और कमेंट करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बनाते हैं चुकंदर की पूड़ियाँ। चुकंदर की पूड़ी बनाने के लिए हमने दो चुकंदर ले लिए हैं। सबसे पहले हम इनका छिलका हटा लेते हैं और इन्हें टुकड़ों में कट कर लेते हैं। देखिए चुकंदर को हमने छील कर इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। तो अब हम इसे बॉईल कर लेंगे। देखिए यहाँ एक बर्तन में हमने एक गिलास पानी गर्म होने रख दिया था, पानी में अच्छा बॉईल आ गया है तो इसमें ये चुकंदर डाल लेंगे और अब इसे 6 से 7 मिनट के लिए हमें पकाना है। मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे ताकि चुकंदर अच्छी तरह से गल जाए, थोड़े सॉफ्ट हो जाइए ताकि हमें इसे पीसने में आसानी हो। तो इसे गलने देते हैं। देखिए लगभग 6 से 7 मिनट हो चुका है चुकंदर को पकते हुए, ये सॉफ्ट हो चुके हैं, पक चुके हैं। ये पूरा भी नहीं पकाना हमें, इन्हें बस हल्का सॉफ्ट हो जाए इतना ही पकाना है। तो ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, तब गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब हम इसे मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। तो वो ठंडा होने देते हैं इसे। देखिए पूरी तरह से ठंडा हो गया है, मिक्सी के जार में डाल लेंगे इसे। देखिए सारा चुकंदर हमने मिक्सी के जार में डाल लिया। जब भी हम इसे बॉईल करें, जब भी आप इसे बॉईल करें तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालिए, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि हमें इसका पानी फेंकना नहीं है। तो बस अब पीस लेंगे, एकदम फाइन पीस लेते हैं इसे। देखिए पीस लिया, इस तरह से पीस लिया हमने, एकदम फाइन पीस लिया है हमने। इसे पीसने में पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया। देखिए एक परात ले लिया हमने, इसमें हम डालेंगे, ये हमने एक कटोरी गेहूँ का आटा लिया है, इसे डाल लेंगे। आधा चम्मच नमक डालेंगे, ये हमने अजवाइन लिया है, इसे थोड़ा रगड़ कर डाल लेंगे ऐसे। एक चम्मच तेल डालेंगे। अब ये पेस्ट डाल देना है जो हमने चुकंदर को पीस कर तैयार किया है, इसे डाल लेंगे। देखिए सारा पेस्ट डाल लिया, अब इसे मिला लेते हैं और आटा लगाकर तैयार कर लेंगे पूड़ियों के लिए। पहले से मिला लेते हैं, बाद में अगर हमें इसमें पानी की ज़रूरत लगेगी तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और पूड़ियों के लिए सख्त आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। पूड़ियों के लिए आटा हमें नरम ही लगाना है। मिलाकर आटा गूंथ कर तैयार कर ले। तो देखिए आटा गूंथ कर तैयार कर लिया हमने, हमें इसमें पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी, लेकिन आटा थोड़ा नरम हो रहा था तो हमने इसमें थोड़ा आटा मिलाया था। तो आटा अच्छी तरह से गूंथ कर तैयार कर लिया। अब इसे ढक कर हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि आटा अच्छी तरह से फूल जाए। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, इसे थोड़ा मसल लेंगे इस तरह से। देखिए आटा को मसल लिया, अब इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ लेते हैं, देखिए ऐसी, और इसके गोल गोल से पेड़े बना लेंगे ऐसे करके। देखिए गोल गोल से पेड़े बना लिए, इसे हटाते हैं, थोड़ा आटा लगा लेंगे, लोइयों को आटे में डिप कर लेंगे और इसकी गोल गोल सी पूड़ियाँ बेल लेनी है। आप चाहें तो तेल लगाकर भी बेल सकते हैं, हम आटा लगाकर बेल रहे हैं। देखिए बन गई पूड़ी, रख लेते हैं इसे और इसी तरह से पूड़ियाँ बेल कर तैयार कर लेते हैं पहले। देखिए इतनी पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली हमने, तो चलिए अपने सेक लेते हैं। देखिए तेल अच्छा गर्म है, डालकर पूड़ियाँ सेक लेंगे। ऊपर से हल्का सा प्रेस कर देना है ताकि पूड़ी अच्छी तरह से फूल जाए। देखिए कैसे फुली फुली पूड़ियाँ बनकर तैयार हो रही है। बस पलट लेंगे इसे और अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। बाकी की पूड़ियाँ भी इसी तरह से डालकर फ्राई कर लेना है। इसे निकाल लेंगे, देखिए कितनी अच्छी पूड़ी फूल कर तैयार हुई है। बस हल्का सा प्रेस करिए, एकदम फुली फुली पूड़ियाँ बनकर तैयार होती है। देखिए इस तरह से सारी टिप्स के साथ अगर आप इसे बनाएंगे तो बहुत फुली फुली सी पूड़ियाँ बनकर तैयार होगी चुकंदर की पूड़ी। देखिए कैसे फुली है, गुब्बारे जैसी ये पूड़ी। बस इसी तरह से सारी पूड़ियों को सेक लेना है। तो लीजिए हमारी गर्मा गर्म चुकंदर की पूड़ियाँ बनकर तैयार है। देखिए आप कैसी फुली फुली भटूरे जैसे पूड़ियाँ बनकर तैयार हुई है। ये देखिए आप कितनी अच्छी पूड़ियाँ बनी हैं, हेल्दी होने के साथ साथ बहुत टेस्टी भी है ये पूड़ियाँ। तो चुकंदर की पूड़ियाँ मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नए रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।